एक तो जो हैंडल है, हैंडल में देख सकते हो ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे का फर्क लग रहा है। कंपनी से मैंने बात करी थी, कंपनी वाले कह रहे थे कि आप 560 से पहले 550 से पहले पहले सर्विस करा लेना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल DL27। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले एक हंटर परचेज करी थी रॉयल फील्ड वाली, तो अभी उसकी फर्स्ट सर्विस है। तो जल्दी से चलते हैं, फर्स्ट सर्विस कराते हैं। मैं भी आज मैंने ऑफ ले लिया था, मैंने कहा चलो यार बाइक की सर्विस करानी है। टाइम लगेगा, कितना लगेगा, अपॉइंटमेंट कल मैंने बुक कर दी थी। तो फटाफट चलते हैं अपना शोरूम और दिखाता हूँ मैं सर्विस में क्या क्या होता है। लास्ट में बताता हूँ कि इतनी कॉस्ट आई और क्या खर्चा रहा है मेरा अभी तक। यार फाइनली अपने वजीरपुर वाले शोरूम में आ गए थे। ये खड़ी अपनी बाइक देख सकते हो, कंडीशन कैसी हो रही है इसकी, मिट्टी विट्टी बिल्कुल। मैंने एक बार भी इस पर वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करा अभी तक जब से आई है। तो फटाफट से इस बाइक की सर्विस कराते हैं और देखते हैं क्या कॉस्ट आ रही है, क्योंकि मेरे को ना दो तीन चीज़ों का इशू लग रहा है। एक तो जो हैंडल है, हैंडल में देख सकते हो ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे का फर्क लग रहा है, ये भी दिखाना है और टाइपेड नॉइस का दिखाना है। कंडीशन देखो अभी कैसी हो रही है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है हर जगह टायरों में। तो भाई फाइनली रॉयल फील्ड के सर्विस सेंटर आ चुके हैं। सर्विस सेंटर के अंदर बाइक की सर्विस थी, 500 किलोमीटर की फर्स्ट सर्विस थी। देख सकते हो बाइक वगैरह लगी, अपनी बाइक खड़ी है बाहर और अब सर्विस पे चढ़ेगी। दिखाऊंगा आप क्या प्रोसेस रहता है, खर्चा कितना आता है बाइक का टोटल। ये यहाँ पे एसेसरीज लगी हुई है बाइक की, जैसे परचेज करना चाहो तो एक डैमो पीस। बाकी देख सकते हो यहाँ की लुक बिल्कुल ऐसी एकदम क्लासिक लुक है जो बना रखे हैं सेटिंग की। तो भाई अपनी बाइक चढ़ रही है। भाई अभी इसका ऑयल ड्रेन हो रहा है, उसके बाद ऑयल फिल्टर निकलेगा। तो यार सर्विस करा के हम घर आ गए थे, तो जो सर्विस की कॉस्ट आई है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले बता दो कि क्या क्या पार्ट चेंज हुए हैं मेरी बाइक के अंदर। पहले तो अपॉइंटमेंट बुक करा, उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगा रॉयल फील्ड के अंदर। चलो कोई बात नहीं, आज भीड़ थी, बट ये है कि जैसे पहले सर्विस के अंदर इंजन ऑयल चेंज हुआ है। आप रॉयल फील्ड के ऐप के अंदर देखोगे तो उसमें 948 के अराउंड दिखा रहा था, बस जो मेरा बिल बना वो 1012 रुपये का बना था। तो जो बिल था मतलब कि आसपास ही था, उसके कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था कि बिल्कुल ही बढ़ के आया होगा। इंजन ऑयल डला है, ऑयल फिल्टर डला है और जितने बोल्ट्स होते हैं गाड़ी के कंप्लीट, वो सब के सब अपने टाइट हुए हैं, क्योंकि कंपनी से आते हैं थोड़े लूज आते हैं और गड्ढों में रॉयल फिल्ड की बाइक चलती है तो लूज हो जाते हैं। सर्विस कॉस्ट कोई इतनी बड़ी नहीं है, 1200 रुपये मतलब कि 1012 रुपये की सर्विस है। सेकंड सर्विस मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम उसमें ग्रीसिंग वगैरह ये सब काम कराएंगे। देखते हैं क्या काम आता है। मेरी बाइक जो चल चुकी थी वो चल चुकी थी 540। कंपनी से मैंने बात करी थी, कंपनी वाले कह रहे थे कि आप 560 से पहले 550 से पहले पहले सर्विस करा लेना, उसके बाद जो सर्विस है वो सीधा 2500 किलोमीटर के बाद, जो नेक्स्ट होती है 2500 या 5000 के बाद तब होगी। माइंड में ये होता है हम बाइक लेते हैं कि कितने की सर्विस होगी इसकी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DL27। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय कहने से पहले यार, वीडियो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Thank you.